भगवान बुद्ध के अनुसार चार प्रकार के शरीर हैं, जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। पहला शरीर धर्म काया कहलाता है। ये सर्वोच्च नियम का शरीर है। और ये सर्वोच्च नियम क्या है? शून्यता ही सर्वोच्च नियम है। सब कुछ शून्य है। यदि तुम वास्तव में विकसित होना चाहते हो तो तुम्हें इस अंतर्दृष्टि को अपने भीतर उतरने देना होगा। सब कुछ शून्य है। जीवन शून्य है, मृत्यु शून्य है, सभी घटनाएं शून्य है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ गुजर जाता है, सब कुछ एक स्वप्न है। जीवन को गहरा समझने के लिए तुम्हें अब पहले शरीर को विकसित करना होता है। दूसरा शरीर निर्माण काया है, करुणा यानी कंपैशन का पहला उदय। करुणा तुम कर नहीं सकते, करुणा तुमसे बहती है। ये पहले शरीर से स्वतः उत्पन्न होती है। यदि तुम इसे उपजाते हो तो तुम अभी भी अहंकार में विश्वास करते हो कि तुम्हारे करने से चीजें होती हैं। पहले स्वयं को शून्यता में स्थापित करना होगा और फिर दूसरा शरीर स्वतः ही उदित होगा। निर्माण काया का अर्थ है सृजन का शरीर। ये विचित्र है, पहला शरीर शून्यता का शरीर है और दूसरा शरीर सृजन का शरीर है। लेकिन ये सभी महान बुद्धों की अंतर्दृष्टि है कि यदि तुम एक ना कुछ हो जाते हो तो महान सृजन तुमसे उत्पन्न होता है, संपूर्ण तुम्हारे माध्यम से प्रभावित होता है। तुम एक वाहन, एक मार्ग, एक माध्यम, संपूर्ण की एक आवाज बन जाते हो। और दूसरे शरीर के उदय के साथ पहला अनुभव महान करुणा का होता है। निश्चित रूप से शुरुआत में ये आंशिक होगा, शर्तों से बंधा होगा, दूसरों की पीड़ा से उत्पन्न होगा। दूसरे शरीर में करुणा आती है और जाती है। ये कुछ स्थितियों में उत्पन्न होती है और कुछ अन्य स्थितियों में गायब हो जाती है। दूसरे से तीसरा शरीर प्रकट होता है। तीसरा शरीर संभोग काया है, आनंद का शरीर। तीसरे शरीर से करुणा बिना शर्त की होती है। ये उत्पन्न नहीं होती और ना ही गायब होती है, ये बनी रहती है, ये निवास करती है। ये किसी के दुखी होने या ना होने का प्रश्न नहीं है। तीसरे शरीर में व्यक्ति केवल करुणा है। दूसरे शरीर में करुणा एक संबंध है, जब जरूरत होती है तब ये होती है। तीसरे शरीर में करुणा तुम्हारी अवस्था बन जाती है, जरूरत हो या ना हो ये वहाँ है। और चौथा शरीर स्वभाव काया कहलाता है, तुम्हारे अंतरतम होने की अंतिम प्रकृति या सहजता का शरीर। चौथे शरीर में सभी भेदभाव गायब हो जाते हैं, द्वैत भाव पार हो जाता है। अच्छा बुरा, संसार निर्वाण, ईश्वर शैतान, सभी द्वैत पार हो जाते हैं। एक केवल होता है, कोई भेदभाव के बिना, कोई श्रेणीबद्धता के बिना, कोई विभाजन के बिना। ये अस्तित्व शरीर है। ये शरीर साधना की असली मंजिल है, इसी के लिए सारी साधना है। सत्य की प्रत्येक खोजी इन चारों शरीर के माध्यम से गुजरता है। इन चारों शरीर को कैसे प्राप्त करें? चार उपाय हैं। पहला है ऑब्जर्व, निरीक्षण करो, बिना मूल्यांकन निरीक्षण करो, सब कुछ निरीक्षण करो। निरीक्षण करने का कोई भी अवसर ना चूको, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है कि तुम क्या निरीक्षण कर रहे हो, प्रश्न ये है कि निरीक्षण विकसित हो रहा है। तुम हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो और इस प्रयास में ऑब्जर्वेशन बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा है एनालाइज, विश्लेषण करो, लेकिन केवल तब जब तुमने निरीक्षण किया हो, उन्हें मिलाए नहीं। पहले निरीक्षण को बिना विश्लेषण के करना है, कोई निर्णय नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। जब तुमने निरीक्षण किया हो तब विश्लेषण में उतरो, तब विस्तार में जाओ, विभाजन करो। और तीसरा है उसे चुनो जो तुम्हें और अधिक आनंद, शांति, स्थिरता और शांति प्रदान करता है। और चौथा है उस सब को त्याग दो जो तुम्हें तनाव, चिंता, पीड़ा और नरक प्रदान करता है। इस अद्भुत यात्रा के अंत में हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां शब्दों का सीमित आवास होता है और अनुभव की अथाह गहराई शुरू होती है। यहाँ धर्म काया, निर्माण काया, संभोग काया और स्वभाव काया के चार शरीरों की गहन समझ तुम्हें एक ऐसी जगह ले आती है जहाँ तुम स्वयं के सच्चे स्वरूप को पहचानते हो। एक ऐसा स्थान जहाँ शून्यता और सृजन, करुणा और आनंद, अद्वैत और अनंत सहजता से घटती है। प्रणाम।